तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी और ताजा खबरें लेकर आते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों इन सभी खबरों में पहली खबर निकल कर आ रही है, इन बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेचने जा रही है मोदी सरकार, हो जाइए सावधान। अगर आपका भी है बैंक खाता इन बैंकों में तो अब होगा बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी बैंक खाता इन बैंकों में है तो अब आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बुरी खबर आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार अब इन बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेचने जा रही है। तो दोस्तों अगर आपका भी बैंक खाता इन बैंकों में है, जो कि हम आपको आगे वीडियो बताएंगे, तो आपको यहाँ पर बड़े नुकसान हो सकते हैं। आपको कैसे इनसे बचना है, हम आपको वो तरीका भी बताएंगे, बस आप वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखते रहिए। अगर आपने बीच में ही वीडियो को छोड़ दिया तो आपको यहाँ पर जब बाद में आपका बैंक प्राइवेट हो जाएगा तो वहाँ पर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अब महज 129 रुपए जमा करवा कर पा सकते हैं 66 लाख रुपए। मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई है ये नई योजना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 129 रुपए महज जमा कर 66 लाख रुपए का लाभ पाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर हम एक जबरदस्त पॉलिसी लेकर आए। आपके लिए यहाँ पर एक बेहतरीन मौका है, आप केवल महज 129 रुपया महीना जमा करके 66 लाख रुपए का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये कौन सी पॉलिसी है, कैसे इसका लाभ उठाना है, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखते रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अब इस महीने खुलेंगे बच्चों के स्कूल और कॉलेज, मोदी सरकार ने की है बड़ी घोषणा। बच्चों के माता पिता की ओर से किया जा रहा है विरोध। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों का स्कूल अभी ना खुले क्योंकि कोरोना का संकट तेजी से बढ़ रहा है, तो आपके लिए ये खबर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इस महीने मोदी सरकार देश भर के सभी स्कूलों को खोलने जा रही है। क्या है पूरी खबर जानेंगे हम आगे वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों, मौसम विभाग की ओर से जारी हुआ रेड अलर्ट, अब उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ दिल्ली में भी होगी भारी बारिश। अगर आप भी हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से तो हो जाएं सावधान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश या फिर बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बुरी खबर आ रही है, क्योंकि अगले 24 घंटों से 48 घंटों के दौरान बिहार और यूपी में भारी बारिश हो सकती है। तो इस पूरी खबर को भी जानने के लिए आप वीडियो के साथ साथ बने रहिए, ताकि आप एक भी खबर मिस ना कर पाएं। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम अपनी मुख्य खबरों की ओर बढ़ें, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप उस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए करिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों पहली खबर, इन बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेचने जा रही है मोदी सरकार, हो जाइए सावधान। अगर आपका भी बैंक खाता है इन बैंकों में तो जल्द करें ये काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर एक अभी बहुत ही बड़ी और ताज़ा खबर निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार इन सरकारी बैंकों को अब प्राइवेट हाथों में बेचने जा रही है। तो अगर आपको भी बैंक खाता इन बैंकों में है तो आप जरा इस खबर को ध्यान से सुन लीजिए, वरना आपका यहाँ पर बड़ा नुकसान हो जाएगा और बाद में आपको पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कुछ ऐसे बैंक हैं जिनको यहाँ पर मोदी सरकार अब प्राइवेट हाथों में बेच देगी, यानी कि मोदी सरकार के पास पैसे की कमी हो गई है, जिसके चलते मोदी सरकार अब इन बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेचने जा रही है। तो अगर आपका भी बैंक खाता इन बैंकों में है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सावधान हो जाना है। दरअसल दोस्तों बता दें कि मोदी सरकार की ओर से एक खबर निकाली गई थी कि सरकार जो है पूरे तरीके से बैंकों में जो काम काज है या फिर जो भी उसका ढंग है काम करने का, या फिर जो भी साफ सफाई को लेकर या फिर जो बैंक के कर्मचारी होते हैं उनकी तनख्वाह को लेकर यहाँ पर कई शिकायतें आती रहती हैं, जिसके चलते अब मोदी सरकार ने किया क्या है कि इन सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेचने का फैसला कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपका भी बैंक खाता इन बैंकों में है, जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक या फिर आईडीबीआई बैंक में आपका खाता है, तो आपके लिए यहां पर एक बुरी खबर आ रही है, क्योंकि अब मोदी सरकार इन बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेच देगी। फिर से इन बैंकों के नाम बता देते हैं ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना आए और आप पहले से ही सावधान हो जाएं। दोस्तों बता दें कि इनमें पहला बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, दूसरा बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और तीसरा बैंक है यूको बैंक, इसके अलावा चौथा बैंक है आईडीबीआई बैंक। तो ये चार कुछ ऐसे बैंक है जिनको अब मोदी सरकार प्राइवेट हाथों में बेचने जा रही है। तो आप जरा इन बैंकों को लेकर सावधान हो जाएं, आगे चल के इन बैंकों में खाता खुलाने से लेकर जो भी आपके काम काज हैं उनको लेकर कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही और भी तमाम बड़ी खबरें लेकर आए हैं जिनको हम आपको आगे एक एक करके बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वरना अगर आपने इन खबरों को नहीं जाना तो आपको यहाँ पर आगे चल के कुछ नुकसान हो सकते हैं, और आप उन नुकसान की भरपाई करते समय आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि काश हमने ये खबर पहले ही सुन ली होती तो आज हमसे ये गलती ना होती। तो आप बस इन वीडियो को देखते रहिए और एक एक करके हम आपको सारी खबरें विस्तार से बताने वाले हैं।
दोस्तों अगली और आप सभी के लिए जरूरी खबर, अब इस महीने खुलेंगे देश भर के सभी स्कूल। सरकार कर रही है बड़ी तैयारी, कोरोना संकट के बीच स्कूल खोलने पर हो रहा है बड़ा मंथन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें कि आपके भी मन में कहीं न कहीं स्कूल को फिर से शुरू करने को लेकर एक सवाल जरूर उठता होगा। दोस्तों बता दें कोरोना महामारी ने सभी चीजों पर ब्रेक लगा दिया है, सभी को यहाँ पर बड़ी परेशानियां हो रही हैं। किसी को खाने की दिक्कतें हो रही हैं तो किसी को कमाने की दिक्कत हो रही है। दोस्तों यहाँ पर नौकरी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक हर चीज की रफ्तार पूरी तरीके से थम गई है। ऐसे में दोस्तों अब मोदी सरकार देश भर के सभी स्कूलों को खोलने को लेकर चर्चा फिर से शुरू कर दी है। तो ऐसे में आखिरकार किस महीने में बच्चों के स्कूल और कॉलेज खुलेंगे, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों हालांकि इस बारे में कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोरोना संकट के बीच सितंबर से स्कूल खोले गए तो क्या बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के स्कूल भेजने के लिए राजी होंगे। फिलहाल दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार सभी अभिभावकों से इसके बारे में जानकारी ले रही है। तो आपके अनुसार क्या बच्चों के स्कूल और कॉलेज को अभी जल्द ही खोल देना चाहिए, यानी कि अगले ही महीने सितंबर में खोल दिया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। दोस्तों अगली और बड़ी खबर, इन राज्यों में होगी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश, यहां जारी हुआ है रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को है सबसे ज्यादा खतरा। जी हाँ दोस्तों बता दें अगर आप उत्तर प्रदेश या फिर बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर मौसम विभाग की ओर से निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों बता दें मौसम विभाग की ओर से एक कड़ी चेतावनी जारी की गई है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 24 घंटों से लेकर 48 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है, साथ ही साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं जिसके चलते जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। दोस्तों बता दें दिल्ली में मौसम की जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दिल्ली में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके चलते दिल्ली के भी कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है जिसके चलते यहां पर जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश या फिर बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, साथ ही साथ अगर आप देश के किसी अन्य राज्य से भी हैं तो भी आप जरूर बता दीजिए ताकि अगली वीडियो में हम आपके राज्य के मौसम का हाल बता सकें। तो दोस्तों ये आप ही के फायदे का काम है, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम और अपने जिले का नाम जरूर लिख लीजिए। वहीं दोस्तों अगली खबर, अगर आपके घर भी आता है एलपीजी गैस सिलेंडर तो अब मिलेगा ये लाभ, मोदी सरकार ने शुरू की है नई योजना। जी हाँ दोस्तों बता दें अगर आपके घर पर भी एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों बता दें मोदी सरकार ने अब एक नया नियम बना दिया है। जी हाँ दोस्तों इस नियम के तहत अब अगर आपका सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है यानी समय से जल्दी खर्चा हो जाता है तो आपको यहाँ पर अब लाभ दिया जाएगा। दोस्तों बता दें कि जो भी कंपनी होती है, जो भी आपको गैस सिलेंडर देने आता है, अगर उसने आपको गैस कम दे दी है तो अब उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं और आपकी की गई शिकायत का निवारण जल्द से जल्द किया जाएगा, यानी कि उस कंपनी पर तुरंत ही एक्शन किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेंडर समय से पहले खत्म हो गया है, एलपीजी गैस सिलेंडर हो चाहे सीएनजी हो चाहे पीएनजी हो, सब तरह के सिलेंडर पर अब ये नया नियम लागू हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपके गैस सिलेंडर में कम गैस है तो आप कंज्यूमर फोरम में इसके लिए शिकायत कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार ने यहाँ पर नया नियम लागू कर दिया है। तो ऐसे में अब सभी ग्राहकों को जिनके पास में गैस का सिलेंडर है उनको ये नया और बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी जा रही है। तो अगर आपके घर पर भी एलपीजी गैस सिलेंडर है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। दोस्तों अगली और बड़ी खबर, अब महज 129 रुपए जमा करवा कर पा सकते हैं 66 लाख रुपए का इनाम, ये है एक नई योजना, मोदी सरकार ने शुरू की है अच्छी पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि मात्र 129 रुपए जमा करवा के आप 66 लाख रुपए तक का पॉलिसी के तहत लाभ उठा लें तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ दरअसल बता दें दोस्तों LIC की एक हम आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। दोस्तों बता दें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC की ओर से यहाँ पर एक बहुत ही भरोसेमंद बीमा कंपनियों में से एक पॉलिसी जारी की गई है। दोस्तों बता दें इसमें आपको हर महीने महज 129 रुपए जमा करने होंगे और इन 129 रुपए के जमा करते करते आपको 66 लाख रुपए की एक मोटी रकम मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों ये 66 लाख रुपए आपको कैसे मिलेंगे इसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, बस आप वीडियो को ध्यान से हमारे साथ देखते रहिए। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं यानी कि 129 रुपए जमा करवा के 66 लाख रुपए तक का लाभ लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 साल की होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप महज 129 रुपया हर महीना जमा करके 66 लाख रुपए तक का लाभ ले सकते हैं। तो ये एक पॉलिसी है जो कि आप सभी के लिए निकाली गई है, आप इसके लिए LIC की आधिकारिक साइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इस पॉलिसी को ले सकते हैं।